जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में हाल के बनाए हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH Dhruv के नेवल वर्जन को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया था और दोनों ही इस हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए थे। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के इस इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर की अमेजिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडियन नेवी के इस नए हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला, ये सी के ऊपर फ्लाइंग लैंड बेस्ड फ्लाइट से बहुत अलग है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम में आप इमीडिएटली हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकते, जिसके चलते किसी भी नेवल हेलीकॉप्टर को बहुत रिलायबल होना चाहिए। दूसरा, समुद्र में बड़े तूफान, तेज हवाएं और बारिश के चलते इसे मौसम की मार सहने के लिए नेवल हेलीकॉप्टर को बहुत मजबूत यानी रोबस्ट होना चाहिए। तीसरी एंड फाइनल बात, इसे शिप के लिमिटेड स्पेस में फिट होना चाहिए। इन सभी रीजंस के चलते अभी तक इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने हाल के ALH Dhruv हेलीकॉप्टर को लिमिटेड सर्विस में रखा था, लेकिन नए नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के बाद ये साफ हो गया है कि अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बाद अब Dhruv हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की सर्विस में भी शामिल होगा। लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब कुछ साल पहले इंडियन आर्मी ने हाल Dhruv के आर्म्ड वेरियंट रुद्र को इंडक्ट किया था, तो इंडियन नेवी पायलट्स ने भी रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाया था और वो ये देखकर सरप्राइज थे कि रुद्र हेलीकॉप्टर के थर्मल कैमरा रात में किसी भी शिप का नाम लगभग 14 किलोमीटर दूर से ही पढ़ ले रहे थे, जो कि कोस्टल सिक्योरिटी यानी 26/11 यानी 2008 के मुंबई अटैक जैसे सी से होने वाले किसी भी टेररिस्ट अटैक को रोकने में बहुत इफेक्टिव होंगे। और इसके बाद इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि भले ही शिप्स के लिमिटेड स्पेस में फिट ना होने के कारण हाल Dhruv हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी शिप्स पर सर्विस ना कर पाए, लेकिन कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए नेवल Dhruv एक बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर होगा। और इमीडिएटली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मार्च 2017 में 32 नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर कर दिया। इंडिया के नए नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर सबसे लेटेस्ट Mk3 वेरिएंट के हैं और इसमें कई स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका नोज माउंटेड सर्विलांस डाटा, जो कि 270 डिग्री कवरेज देता है और एक साथ कई मरीन टारगेट्स को डिटेक्ट, क्लासीफाई और ट्रैक कर सकता है। खराब मौसम में काम करने के लिए नेवल Dhruv में SAR यानी सिंथेटिक अपोचर राडार और वेदर मोड होता है, जो कि खराब मौसम में भी आसानी से किसी भी टारगेट को लोकेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक साथ सभी टारगेट्स को दिखाने के लिए मूविंग टारगेट इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट सेंसर यानी इसराइल का बना डी कम्पास, डिजिटल कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज एडवांस स्टेबलाइज सिस्टम यानी EO पॉड भी कहते हैं। इसमें एक थर्ड जनरेशन फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी FLIR सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर लगा होता है। ये सिस्टम दिन या रात में 15 किलोमीटर तक किसी भी शिप या बोट को देख सकता है। अब एक ऐसा सेंसर जो कि इंडियन नेवी का फेवरेट है, इंडियन नेवी को मिलने वाले 6 नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर्स में पहली बार मेड इन इंडिया लो फ्रिक्वेंसी टैंकिंग सोनार यानी LFDS लगा होगा, जो कि नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कोची के द्वारा बनाया गया एक एंटी सबमरीन सिस्टम है। इसके अलावा नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर में 12.7mm केबिन माउंटेड मशीन गन, सर्च लाइट, हाई पावर लाउड स्पीकर्स, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और V/UHF कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जो कि इसे कोस्टल सर्विलांस के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू यानी SAR मिशंस कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इसके अलावा इसमें रिमूवेबल मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट और 250 किलोग्राम कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू विंच और रेस्क्यू बास्केट लगी होती है। इन सभी इक्विपमेंट्स को चलाने और नेवल Dhruv को आसानी से फ्लाई करने के लिए इसमें एक फुल ग्लास कॉकपिट लगाई गई है, जिसमें हाल का इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम IADS लगा होता है, जो कि पूरी फ्लाइट इंफॉर्मेशन LCDs पर डिस्प्ले करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इससे पहले इतने ज्यादा सिस्टम इंडियन नेवी के हैवी हेलीकॉप्टर्स जैसे कि कामो KA-28, सी किंग और MH-60R में ही लगे हुए थे। इसीलिए नेवल Dhruv को हम फुल्ली लोडेड वेरिएंट कह सकते हैं, जिसके चलते नेवल Dhruv का ऑल अप वेट 5500 किलो से बढ़कर 5750 किलोग्राम हो गया है और इसे फ्लाई करने के लिए इसमें 2 शक्ति इंजन्स लगाए गए हैं, जो कि नेवल Dhruv को लगातार 3.5 आवर्स तक फ्लाई करने की कैपेबिलिटीज देते हैं। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के नए नेवल Dhruv हेलीकॉप्टर्स काफ़ी अच्छे हैं और ये इंडियन नेवी के हैवी हेलीकॉप्टर के काफ़ी कामों को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और पुराने हेलीकॉप्टर्स जैसे कि नेवल चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। ये हेलीकॉप्टर ना सिर्फ मुंबई अटैक जैसे हमले से बचने में हेल्प करेंगे, बल्कि
चाइनीज और पाकिस्तानी नेवी शिप्स को इंडिया की कोस्ट लाइन से दूर रखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।